ने बैग से ठोक दी है और इसका नेम प्लेट जो है टेढ़ा हो गया है। क्या बताऊँ, लोगों का कोई भरोसा नहीं है भाई। गिरा दी थी गाड़ी और यहाँ भी स्क्रैच स्क्रैच। आज होने वाले हैं हमारे पिज्जा के ट्रायल। पिज्जा के शेफ हमारे पास आ चुके हैं और अगर अच्छा नहीं हुआ तो सीधे इनको गुरुद्वार का टिकट मिल जाएगा। पहले कौन सा पिज्जा दे रहे हो? दुबई का है सबसे फेमस सिस्टॉक पिज़्ज़ा। तेरे में होंगे कम से कम 2-3 लाख तो होंगे, है ना? 25 लाख रुपए हैं ये इसके चक्कर में वो वही नहीं रहा, ओपन ही भी नहीं हो रहा मेरा। हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज भाई अपने दिन की शुरुआत में कर रहा हूँ अपने रूम से और यहाँ से जाने वाला हूँ मैं अपने होटल की तरफ, जहाँ हमारे आज सेकंड ट्रायल्स हमारे होने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमारे किचन जो है सेट हो गया है और 2 दिन बाद हमारी ओपनिंग भी है, जो कि जिसकी डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है। तो आज भाई तुम्हारा भाई एकदम दाढ़ी वाड़ी काट के थोड़ा सा यंग बनने की कोशिश कर रहा है, बाकी अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो जो भी है ठीक ही है। अब क्या कर सकते हैं भाई, शक्ल ही ऐसी है। तो बाकी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। बाकी अभी मैं रेडी हो चुका हूँ भाई और निकलने वाला हूँ यहाँ से अपने होटल की तरफ। तो आज आपको लेके चलते हैं एक बार और, एक बार दोबारा अपने होटल का टूर करवाते हैं और ट्रैस भी दिखाते हैं भाई क्या क्या बन रहा है और क्या क्या वहाँ का आज सीन चल रहा है। तो लेट्स गो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना है ज़रूर वीडियो में। बाकी चलो चलते हैं होटल की तरफ। तो भाई परसों किसी ने बैग से ठोक दी है और इसका नेम प्लेट जो है टेढ़ा हो गया है। क्या बताऊँ, लोगों का कोई भरोसा नहीं है भाई। गिरा दी थी गाड़ी और यहाँ भी स्क्रैच स्क्रैच वगैरह तो कुछ नहीं आया, लेकिन ये थोड़ा है कमज़ोर हो गया इसका, ये भी सेट करवाना पड़ेगा मुझे अभी। चलो भाई चलते हैं फिर। भाई बारिश में भीगते भीगते जैसे कैसे मैं पहुंच गया हूं अपने होटल और अभी मैं जा रहा हूं अपने किचन में, दूध लेके जा रहा हूं साथ में क्योंकि ये लोग चाय पीते नहीं हैं और अपनी चाय अपनी सुबह सॉरी अपनी सुबह बिना चाय के होते नहीं है। दिन की शुरुआत अपनी चाय के साथ हो रही है और हमारे साथ सब जुड़ चुके हैं फिलहाल इधर, और आज अपने किचन में हो रही है भाई पुताई। तो सारे चीज़ों को कवर किया गया है और हमारे सौरभ जी आज पिज़्ज़ा भी बनाने वाले हैं। आज नहीं कल बनाएंगे, आज ही बनाएगा। हाँ आज होने वाले हैं हमारे पिज्जा के ट्रायल। पिज्जा के शेफ हमारे पास आ चुके हैं, मुस्कुराहट के साथ इनके पिज्जा की आज शुरुआत होगी और अगर अच्छा नहीं हुआ तो सीधे इनको गुरुद्वार का टिकट मिल जाएगा। कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं, आपको भरोसा है अपने पिज्जा पे? बिल्कुल भरोसा है मुझे अपने पिज्जा पे। चलो कल के जैसे बढ़िया पिज्जा निकालेंगे हम। चलो ठीक है। बाकी भैजी यहाँ तैयारी कर रहे हैं ग्रिल चिकन की। अवन कहाँ है हमारा? बिल्कुल अवन देखिए आप, हमारा अवन बहुत तगड़ा है भाई। पानी कम है मटके में। बढ़िया बढ़िया, मीजा हो गया ना सारा। तो सेफ साहब टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए? क्या देने चाहिए आपको? 350 से 400 के आसपास। तो अभी है मेरा, आप देख सकते हैं पहुंच रहा है धीरे धीरे करके, करीबन 400 के करीब पहुंच ही रहा है, मतलब 350 से 400 का। पहले कौन सा पिज्जा दे रहे हो? पहले मैं दे रहा हूँ दुबई का है सबसे फेमस सिस्टॉक पिज्जा। सिस्टॉक पिज्जा इसकी तैयारी हो गई है। बिल्कुल हो गई। तो ये रहा भाई सिस्टॉक चिकन, इसके लिए हम जूलियन काटेंगे इसको। ओके, इसके साथ चलो ये तो हम बाकी वीडियो में आगे देख ही लेंगे जब बनाओगे आप। ये पेपरोनी पिज्जा, ठीक है। हाँ उसके बाद हम देंगे श्रिंप ट्रफल, फिर है ये बुराटा। बुराटा बुराटा जाएगा उसका मिड जाएगा, ये मिडी है पिज्जा, वेजी पिज्जा है, और एक जाएगा पेरी पेरी पिज्जा। ओके तो टेम्परेचर ऑल टू सेट। बहुत
तो ये भाई साहब हो गया है 5 बजे का तगड़ा मौसम। देखो दिल्ली का यहाँ पूरे बादल है, ऊपर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, खाली है। तो लग रहा है वहाँ बारिश हो रही है और यहाँ भाई कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ आई थिंक हम बना रहे हैं अपना होटल का जो भी है हमारा स्टाफ खाना वगैरह, यहाँ लगेगा भाई पूरा, ये स्टाफ के लिए बना रहे हैं हम। बाकी देखते हैं कैसा होगा। और इनको तो आप देखते होंगे, सबसे अगर कामचोरों में गिनती करो ना, मैं इसकी गिनती होगी भाई हमारे यहाँ का सबसे कामचोर आदमी। चलो भाई आ जाओ, काम कर लो थोड़ा सा। काम करने आया हूँ क्या? हैं, क्या करने आया है फिर? हेल्पर लोग करते हैं। ऑलरेडी तो एक हफ्ते से छुट्टी पे है। हैं, एक दिन आया फिर बोल रहा है मेरे को बैठने के लिए चेयर चाहिए यहाँ। भाई अगर ऐसा ही था ना तो सीधे कॉर्पोरेट सेफ में ज्वाइन करना चाहिए था ना आपको। वही है हम। अजी कद्दू, आ जाओ चलो। मास्टर सेफ। तो चलो आज भाई कंपटीशन हो जाए राहुल भाई के साथ, ठीक है? पैसों का अकाउंट में कितने पैसे है किसके, ठीक है? मेरे अकाउंट में है देख भाई साहब 104 रुपए। अब तू बता तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है? कंपटीशन तू डर जाएगा भाई, यहाँ तो बहुत है। तू ज्यादा डर गया यार भाई, तेरा पासवर्ड नहीं दिखा रहा, लोग खेल जाएंगे तेरे साथ। कुछ नहीं खेलते भाई, ओपन में दिखा कितने पैसे मेरे, 104 है, ठीक है? तेरे में होंगे कम से कम 2-3 लाख तो होंगे, है ना? 25 लाख रुपए है, है? ये इसके चक्कर में वो वही ओपन ही नहीं हो रहा मेरा। बहुत ज्यादा पैसे है भाई, पैसे ज्यादा है भाई के बाद तो भाई का बहुत ज्यादा पैसे है भाई। मिस जीती कम से कम तो अभी यहाँ जितनों की अकाउंट चेक किया जाएगा वो सबके पास ऐसे पैसे, किसी के पास 100 किसी के पास। बस इसी वजह से आजकल मैं भूख से मर रहा हूँ भाई। मैं सेम भाई साहब, 15 दिन हो गए हमें और अभी हमारी ओपनिंग बिल्कुल नहीं हुई है। काम जोरों शोरों से है और स्टाफ हमारा बिल्कुल एंजॉय ले रहा है इधर। तो हमेशा मुझे बैठा ही दिख रहा है भाई लोग। आता हूँ वो मेरा टाइम होता है 7 बजे का, मैं 7 बजे रूम पे आ जाता हूँ और अब थोड़ी हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हो गई है। लेकिन आजकल दिक्कत क्या हो गई है मेरे पास कि कुछ दिन पहले ही मेरा पर्स भी खो गया था। पर्स से तो मेरे ATM से सारे मेरे गायब हो गए थे, मतलब खो गए थे। और जो मेरे अकाउंट्स है जो गूगल पे फ़ोन पे है, वो गूगल पे पहले से मेरा ब्लॉक हुआ पड़ा है और फ़ोन पे जो है वो मेरा उससे 2 दिन पहले ही मेरा ब्लॉक हो गया था। तो पैसे भाई निकालने की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरा जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है मेरी, वो मेरे से हो नहीं पा रही है और कैश जो मेरे पास है वो अभी बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ है। तो 2-3 दिन से खाना अपना ऐसे ही हो रहा है, कुछ भी सस्ता वस्ता खाना, चाउमीन वगैरह ऐसे हल्के फूड से खाना मेरे को चलाना पड़ रहा है। तो अभी मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ मेरे पास कुछ है कि नहीं है, क्योंकि भूख लग रही है, उसके बाद मैं चुपचाप सो जाऊँगा और कल का जुगाड़ कहीं से देखूंगा भाई। किसी से मांगने में भी आजकल शर्म लगती है, किसी से बोलोगे भी तो भाई हर कोई यही बहाना मारता है कि मेरे पास नहीं है या ऐसा कुछ है, अभी दिक्कत है। इसलिए भाई किसी के आगे हाथ जोड़ना भी बिल्कुल सही नहीं लगता मुझे। तो एक बार देख लेता हूँ मैं मेरे पास कुछ है या नहीं। तो फिलहाल तो भाई इसमें से कुछ दिख नहीं रहा है। तो 50 रुपये तो फाइनली मेरे को मिल गए हैं, 50 और 20 70 रुपये। बाकी तो मेरे पास फिलहाल
कुछ भी नहीं है भाई। तो 70 रुपये आज के मेरे खाने के लिए बहुत हो जाएंगे। तो 70 रुपये लेके मैं क्या ही खा लूँगा फिलहाल तो, क्योंकि इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में ऐसा खाना मिलता भी नहीं है कहीं, तो मुझे जो है सब बाहर से दूर जाके मुझे लेना पड़ेगा। बाकी क्या ही कर सकते हैं। चलो बाकी मैं चल रहा हूँ भाई, पैसे ले लेते हैं और चल लेते हैं अपने धनों को लेके, और खाना खाने के बाद कर लेते हैं आराम। और वीडियो को कर लेते हैं यहीं पर ख़त्म। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।